अब देखो हमारा न्यू टॉपिक है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का पहले देखते हैं कि ब्रांच अकाउंट क्या होता है हमारा। नॉर्मली हमने आज से पहले ब्रांच वर्ड तो जरूर सुना है। ब्रांच वर्ड का अगर मैं बेसिक बताऊं तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहीं पे एक मेन जगह पे जहां पे उसने काम स्टार्ट किया हो उसके साथ साथ और कहीं कहीं पे वो काम स्टार्ट करता है, तो जो उसके साथ साथ काम स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं ब्रांच। जैसे मान लो मैंने एक अपना बिजनेस दिल्ली में स्टार्ट किया, मैंने अपना सेंटर दिल्ली में स्टार्ट किया। अब इसके साथ साथ दिल्ली के साथ साथ या तो मैं दिल्ली में, मान लो मैंने दिल्ली के अंदर ही एक रानी बाग में स्टार्ट किया, इसके साथ साथ मान लो मैंने एक यूपी में स्टार्ट किया, इसके साथ साथ मान लो एक पंजाब में स्टार्ट किया। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, इसके साथ साथ मैंने दिल्ली में स्टार्ट किया, दिल्ली में। अब मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो मैंने स्टार्ट जो किया था वो दिल्ली से किया था। इसके बाद यहां से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था और यहां से मैंने डिसाइड किया कि चलो अब बिजनेस को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। यानी अगर मेरा नाम गुडविल बन गया तो मुझे ब्रांच खोलने में क्या हो गया, इजी हो गया। यानी अब दिल्ली का ही मेरे पास एक रानी बाग में है, दिल्ली के अंदर ही है, तो ये भी कॉल करूंगा कि ये ब्रांच है। इसके बाद एक यूपी में है, इसको भी बोलूंगा मैं ब्रांच है। एक पंजाब में है, इसको भी मैं बोलूंगा ब्रांच है। और अगर मान लो मैं इंडिया से बाहर अगर चले जाऊं, मान लो यूएसए में एक ब्रांच ओपन करता हूं, तो एक बिजनेस मैंने और ओपन किया है, सेम बिजनेस है हमारा, तो इसको भी कॉल क्या करूंगा, ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट क्या होता है हमारा, हम जो मेन बिजनेस था वो कहाँ था, दिल्ली में। दिल्ली के बाद धीरे धीरे मैंने अपने बिजनेस को क्या किया, बढ़ाता गया बढ़ाता गया। जैसे जैसे मुझे लगा मैंने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड किया, तो जैसे जैसे मेरा बिजनेस एक्सपेंड होता गया तो जो छोटे छोटे मेरे बिजनेस एक्सपेंड होने के मेरा पार्ट बनता गया उसको मैं कॉल करूंगा ब्रांच। तो यहां पे ब्रांच देखो, एक तो दिल्ली के अंदर है, एक दिल्ली से बाहर है, दूसरा ये भी दिल्ली से बाहर है, और ये तो इंडिया से ही बाहर है। तो अगर मैं ब्रांच की मैं बात करूं तो ब्रांच हमारे कैटेगराइज कर दिए गए हैं। या तो मैं अपना ब्रांच इंडिया में ओपन करूंगा या इंडिया के बाहर, जिसे मैं फॉरेन में बोलूंगा मैं। और जहां से मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था सबका कंट्रोल, इसका कंट्रोल, इसका कंट्रोल, वेदर यूएसए में कंट्रोल है, अगर यहां पे मैं बैठा हूं तो यहीं से कंट्रोल होगा इन सबका। तो इसको हम बोलेंगे हेड ऑफिस, इसको बोला जाएगा आपका हेड ऑफिस। तो ब्रांच कितने भी हो सकते हैं लेकिन हेड ऑफिस क्या रहेगा, एक रहेगा। और हेड ऑफिस का काम क्या होता है, वो अपने ब्रांचेस ओपन करता है लेकिन उसका कंट्रोल सारा कौन करेगा, हेड ऑफिस। ठीक है, तो ब्रांच के अंदर ये तीनों तो इंडिया का एग्जाम्पल है और ये हमारा यूएसए का है। तो ब्रांच हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इंडिया का ब्रांच हो सकता है या आउट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का ब्रांच है उसको क्या बोलेंगे, इनलैंड ब्रांच, और जो बाहर आउट ऑफ इंडिया है उसे फॉरेन ब्रांच बोलेंगे। हमारे सिलेबस में फॉरेन ब्रांच नहीं है, हम आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे इंडिया का ब्रांच, जो इंडिया का ब्रांच होगा। अब इंडिया के अंदर जो ब्रांच है इसका भी बिजनेस करने का अलग अलग तरीका है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं टाटा, टाटा आप सबने नाम तो सुना है। अब टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं टाटा की बात करूं तो टी, टाटा की बात करूं मैं मोटर, टाटा की बात करूं मैं टाटा कॉफी या टाटा साल्ट, टाटा की मैं बात करूं टीसीएस यानी आपका सॉफ्टवेयर की कंपनी, अगर मैं टाटा की बात करूं तो टाटा, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ कंपनी है। तो टाटा के इतने सारे कंपनी होने के बाद टाटा का बिजनेस करने का तरीका क्या है, आपको पता होगा कि रिलायंस से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में टाटा का है और रिलायंस से ज्यादा वैल्यू टाटा का है, फिर भी टाटा रिचेस्ट पर्सन में क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि वो हर एक ब्रांच को बोलता है तुम सारा कारोबार खुद संभालो। वो एक ब्रांच ओपन कर देता है और उस ब्रांच को बोलता है तुम्हें परचेज करना है सामान
इंडिपेंडेंट हो, तुम खुद खरीदो, तुम्हें सामान बेचना है खुद बेचो, कैसे उस मार्केट को कवर करना है तुम खुद करो। यानी वहां पे एक अपना पर्सन अपॉइंट करता है जो कि मैनेजमेंट लेवल पे होगा, और वो अपने डिसीजन खुद को लेगा और इसको बस इंफॉर्मेशन दे देगा कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसकी बैलेंस शीट अलग बनेगी, टाटा मोटर की बैलेंस शीट अलग, टीसीएस की अलग, टाटा सॉल्ट की अलग, या और भी अदर बहुत सारे कंपनी है उन सबकी बैलेंस शीट क्या होगा आपका अलग अलग होगा। तो अलग अलग होने की वजह से और जो रतन टाटा है वो सारी बैलेंस शीट को कहीं एक जगह पे मर्ज नहीं करता। मर्ज नहीं करने का मतलब एक बैलेंस शीट नहीं तैयार होता, इसका अपना बैलेंस शीट, अपना बैलेंस शीट, अपना बैलेंस शीट, अपना बैलेंस शीट ऐसे रहता है। तो इस वजह से टाटा का जो नेटवर्थ है बैलेंस शीट का वो इतना ज्यादा दिख नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे एसेट्स यहाँ हैं, ये तो इधर बट गया, इधर का एसेट्स इधर बट गया। लेकिन वही काम अगर मैं आपको रिलायंस का बताऊं तो रिलायंस के भी बहुत सारे ब्रांचेस है। रिलायंस जैसे रिलायंस फ्रेश आपने सुना होगा, रिलायंस डिजिटल जहां पे मोबाइल फोन वगैरह मिलता है, इसके बाद आपने सुना होगा रिलायंस पेट्रोलियम, आपने सुना होगा रिलायंस मीडिया, जियो, ये सारे आपके क्या है, इसके भी क्या है ब्रांचेस ही तो है। टाटा के भी ये सारे क्या है, उसी का बिजनेस और ब्रांच है, ये भी क्या है ब्रांचेस एक तरह। लेकिन रिलायंस क्या करता है, रिलायंस पेट्रोलियम का जो भी डिसीजन होगा वो रिलायंस का ऑनर मुकेश अंबानी लेगा, रिलायंस फ्रेश का जो भी डिसीजन होगा वो वही लेगा, और इन सब के बैलेंस शीट को क्या करेगा अपने एक रिलायंस कंपनी के बैलेंस शीट में क्या करेगा, मर्ज कर देगा, ऐड कर देगा। इससे उसके बैलेंस शीट बहुत बड़ा, बहुत हैवी अमाउंट दिखता है, जिससे वो क्या होता है रिचेस्ट पर्सन में काउंट हो जाता है। तो टाटा का अपना बिजनेस करने का अलग तरीका है और रिलायंस का अपना बिजनेस करने का अलग तरीका है। तो टाटा वैसे देखा जाए तो कैपिटल मार्केट के कंपैरेटिवली रिलायंस से ज्यादा आगे है, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट अलग अलग बनाता है तो इस तरीके से रहता है। तो यहां पे क्वेश्चन रेज होता है कि इसका मतलब टाटा ने अपने सारे ब्रांचेस को इंडिपेंडेंट छोड़ा हुआ है। इंडिपेंडेंट मतलब अपना काम आप खुद करो, हमें आपके काम से लेना देना नहीं है। अगर आपको एसेट्स खरीदना है अपने बिजनेस के लिए, टाटा टी को अगर लैंड एक्वायर करना है तो आप अपना लैंड एक्वायर करो, अगर आपको कोई एक्सपेंस करना है तो अपना एक्सपेंस करो। लेकिन रिलायंस फ्रेश का अगर एक स्टोर ओपन करना है तो हमें पूछना पड़ेगा किससे, रिलायंस से। इसमें क्या होगा, ये अपना सामान खरीदने और बेचने के लिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहां पे अगर रिलायंस डिजिटल का एक स्टोर ओपन होगा, रिलायंस के पास जो सामान होगा सारा कंट्रोल इसने रखा हुआ है, रिलायंस ने जो मेन कंपनी है जिसका सीईओ मुकेश अंबानी है, उसने सारा कंट्रोल रखा हुआ है। तो ये एक तरीके से क्या, टाटा टी किसी भी डिसीजन लेने के लिए टाटा कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है। लेकिन रिलायंस पेट्रोलियम या रिलायंस फ्रेश कोई भी डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं है, उसे डिपेंड होना पड़ता है, पूछना पड़ता है। सामान भी अगर कोई आएगा ना तो पहले यहां से अप्रूव होगा, फिर यहां पे सामान आएगा, फिर आगे फर्दर सेल परचेज होगा, उसके बाद मंथ के एंड में डेली बेसिस पे ये जितना सेल परचेज है वो सारा रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा, रिलायंस को। लेकिन ये इसको रिपोर्ट नहीं करता, उसने बोला वो अपना नेट कैपिटल बढ़ाओ, नेट प्रॉफिट मैं लास्ट में देख लूंगा। तो हमारे ब्रांच में देखा जाए तो ब्रांच दो प्रकार के हो गए, एक तो इंडियन एक फॉरेन, और इंडियन ब्रांच के अंदर भी दो टाइप के आ गए, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अंदर जो हम अब पढ़ेंगे इसके अंदर चैप्टर में, एक तो ब्रांच अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं लेकिन फॉरेन ब्रांच नहीं पढ़ेंगे, एक हमारा डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट हम नहीं पढ़ेंगे, हम डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। तो देखो मैंने यहां पे लिखा है ब्रांच अकाउंट के अंदर टाइप, एक तो इनलैंड ब्रांच और एक फॉरेन ब्रांच, तो इसे अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ने वाले, ना ही इसके बारे में समझेंगे। अब इंडियन ब्रांच के अंदर दो चीजें हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दो ब्रांच है हमारा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देना, ये डिपेंडेंट कर देता हूं और ये इंडिपेंडेंट है।
हमारे सिलेबस में एक डिपेंडेंट ब्रांच है, एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ब्रांच हमारे सिलेबस के अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं करने वाले। तो ब्रांच में हम सिर्फ क्या देखेंगे, डिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट ब्रांच कौन सा होता है, रिलायंस वाला एग्जाम्पल। यानी कोई भी सामान आएगा तो हेड ऑफिस उसके अंदर इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, होगा। कोई भी डिसीजन लेना है तो मुझे हेड ऑफिस से पूछना पड़ेगा। जो भी सामान बेचेंगे पूरे दिन में, वो सारा पैसा का मुझे हिसाब किताब देना पड़ेगा, किसको, हेड ऑफिस को भेज देंगे हम, ठीक है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच में हमारा कौन सा सिस्टम है, अकाउंटिंग करने का मेथड है। एक है डेटर मेथड, एक है स्टॉक डेटर मेथड, एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बीकॉम प्रोग्राम के अंदर नहीं है, बीकॉम ऑनर्स के अंदर ये आएगा, बीकॉम ऑनर्स के अंदर आएगा। अब क्वेश्चन रेज होता है, सर इसके अंदर डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है इन सारे मेथड में, चाहे मैं इस मेथड से क्वेश्चन करूं, चाहे मैं इस मेथड से क्वेश्चन करूं, चाहे इससे, सब में प्रॉफिट सेम ही रहेगा, प्रॉफिट अलग नहीं होगा। ये काम को करने का तरीका अलग है। जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन, मान लो मेरा एक ही ब्रांच है, और एक ही ब्रांच है तो मैं डेटर सिस्टम फॉलो करूंगा। मान लो मेरे बहुत सारे ब्रांच है, 100 से ऊपर ब्रांच है, तो डेटर सिस्टम फॉलो करना इजी नहीं रहेगा। तब मैं फॉलो करूंगा स्टॉक डेटर या फिर मैं फॉलो करूंगा ट्रेडिंग। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम फॉलो करेंगे डेटर सिस्टम, और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ब्रांचेस के लिए हम फॉलो करेंगे स्टॉक डेटर सिस्टम। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में या तो ये इस पे क्वेश्चन आएगा, क्लियरली आपको रिक्वायरमेंट में बोलेगा, या इस पे क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से क्लियर बोलेगा कि आप कौन से मेथड को फॉलो करके ब्रांच अकाउंट आपको बना के दिखाना है। क्या इंडिपेंडेंट ब्रांच हमारे सिलेबस में है, अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या पता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंसेस क्या है। बिल्कुल, डिपेंडेंट के अंदर सारी चीजें हेड ऑफिस से इन्वॉल्व रहेगा, इंडिपेंडेंट में हेड ऑफिस से कोई लेना देना नहीं होता। इंडियन ब्रांच को हम इनलैंड ब्रांच बोलेंगे, और फॉरेन ब्रांच तो हमारा सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो हम सिर्फ इन तीन मेथड को पढ़ेंगे, जो बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स, और ये वाले ऑनर्स के अंदर, तो इसको भी हम लास्ट में कवर कर लेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डेटर मेथड। डेटर मेथड को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं प्रोसेस बता देता हूं कि क्या प्रोसेस रहता है हमारे ब्रांच का, ठीक है। तो डेटर मेथड के अंदर स्टार्ट करने पहले ब्रांच किस तरीके से काम करेगा हमारा, उससे आपको थोड़े बहुत एक्सपेंसेस का नॉलेज हो जाएगा। जैसे सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं हम, अब रिलायंस ने, या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं BTW, ये नाम आप सबने सुना हुआ है। और इसका मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं तो BTW जो था वो एक छोटे स्केल पे इसने काम, बहुत ही छोटे स्केल पे काम स्टार्ट किया। और इसने जब काम स्टार्ट किया तो इसने रानीबाग से अपना काम स्टार्ट किया था। रानीबाग के अंदर आपका संत नगर है, वहां से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो संत नगर से बिजनेस स्टार्ट करने के बाद लोगों की अप्रोच इसके पास, इसने क्वालिटी ऐसा मेंटेन किया कि लोगों को बहुत ज्यादा पता लग गया और लोग इसके फेमस हो गए एक तरीके से नाम से। तो इसको रियलाइज हुआ कि इतनी दूर से अगर मेरे पास पब्लिक आता है तो क्यों ना एक काम करूं कि मैं जहां जहां से ज्यादा पब्लिक का डिमांड है वहां भी अपनी एक दुकान खोल दूं। तो इसने क्या करा, इसके बाद एक NSP नेताजी सुभाष पैलेस में एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, नेम सेम ही रखा इसने। इसके बाद और रियलाइज हुआ कि और अच्छे तरीके से हमें रेस्टोरेंट ओपन करना है, इसने एक रानी बाग में भी ओपन किया। इसके बाद और भी रियलाइज हुआ तो इसने रोहिणी में भी ओपन किया। तो अलग अलग जगह पे जो ओपन किया वो सारे इसके ब्रांचेस थे। लेकिन मैं एक बार मॉर्निंग में, अगर मैं, आप कभी इसके पास जाओ या मॉर्निंग में देखोगे तो इसका सारा का सारा सामान ना, जैसे नेताजी सुभाष पैलेस में कुछ सामान नहीं होता इवनिंग में, सब खत्म होता है। एक टेम्पो पे इसका सारा सामान आता है कहीं से। मैंने पूछा, भाई साहब आपका सारा सामान ये आता कहां से है, इसने बोला कि ये तो सारा रानी आपका संत नगर से ही आता है, वहीं वहीं से आता है सारा सामान, चाहे उसका कोई भी आइटम हो, सारा सामान वहां से प्रिपेयर होके आता है और यहां पे थोड़ा बहुत उसको फिनिशिंग दिया जाता है
और फिर कस्टमर को क्या करा जाता है, बेच दिया जाता है। तो बताओ एनएसपी वाले ने क्या कोई सामान खरीदा, सामान परचेज किया? नहीं किया इसने परचेज। क्या ये जो बीटीडब्ल्यू जो संत नगर का है, इसको मैं क्या हेड ऑफिस का नाम दे सकता हूं? हेड ऑफिस। तो बीटीडब्ल्यू वाले ने अपना जो बिजनेस सेटअप किया है और ब्रांचेस सेटअप किया है वो डिपेंडेंट ब्रांच है, यानी सारे के सारे ब्रांचेस क्या है, डिपेंडेंट। इसके अंदर अगर कोई सामान बेचता है, मान लो ये टिक्की का बिजनेस करता है, अगर टिक्की बेचता है तो यहां से उसके लिए मटेरियल आता है। अगर कोई और अदर बिजनेस करता है तो उसके लिए सीधा हेड ऑफिस से मटेरियल आता है। यानी जो एनएसपी ब्रांच है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, बीटीडब्ल्यू पे। तो अब इसके अंदर इसके पास ये भी राइट नहीं है कि ये अकाउंटिंग कर सके, क्योंकि इसको पता ही नहीं होगा कि सामान जो लेके आया है वो कितने रुपए का लाया। कभी ओनर तो बताएगा नहीं, कभी इंप्लॉय को बोलूंगा देख मैंने 10 रुपए का खरीदा था, वहां जाके 13 रुपए में बेचना है, वो तो बताएगा नहीं। उसे बस ये बोला जाएगा कि इसे 13 रुपए में बेच के आओ। इसका मतलब जो अकाउंटिंग करेगा वो कौन करेगा? एनएसपी नहीं कर सकता क्योंकि इसको एक्चुअलिटी पता ही नहीं है। तो कौन करेगा अकाउंटिंग, सोचो? हमारा हेड ऑफिस अकाउंटिंग करेगा, लेकिन हेड ऑफिस अकाउंटिंग किसके लिए करेगा? एनएसपी के लिए। हेड ऑफिस अकाउंटिंग रोहिणी के लिए, हेड ऑफिस अकाउंटिंग रानीबाग, सबकी अकाउंटिंग अलग अलग करेगा और साल के एंड में सबके बैलेंस शीट को मैच करके अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेगा ये, ठीक है। तो अगर एनएसपी की ब्रांचेस है तो हेड ऑफिस देखो कैसे बनाएगा। एक तो सबसे मेन पर्पस होता है कि इसमें से ये निकाले प्रॉफिट एंड लॉस, कितना हुआ हमारा ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग द मंथ, कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया। तो इसके लिए ये एक बनाएगा ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है? ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाए। जब ये ब्रांच अकाउंट बनाएगा तो ब्रांच अकाउंट के अंदर, अभी बस एग्जाम्पल देखना आप, ब्रांच अकाउंट के अंदर इस साइड में पी एंड एल, एक तरीके से प्रॉफिट कहां से निकलता है? पी एंड एल से तो निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से, लेकिन नाम बदल दिया, इसका नाम रख दिया ब्रांच अकाउंट। इस साइड में क्या होगा? सारे के सारे, और इस साइड में काइंड ऑफ इनकम कह सकते हैं, ठीक है, जहां से इनकम आएगा। खर्चे में इसका क्या होगा? जब हेड ऑफिस गुड्स को भेजेगा तो एक तरीके से खर्चा है, जब गुड्स को भेजेगा तो गुड्स सेंट आ गया यहां पे। इसके बाद ब्रांच क्या करेगा? पूरे दिन का पैसा कलेक्ट करके या तो हेड ऑफिस में ऑनर को दे देगा या वो बोल देगा भाई कहीं जो नियरेस्ट बैंक है उस बैंक में जमा करा दो। तो ब्रांच क्या करेगा? पैसे दे के आएगा। तो पैसे सबसे पहले कस्टमर से किसने रिसीव किया होगा? एनएसपी, एनएसपी ब्रांच ने। इसके बाद ये दे के आएगा। तो जब कभी भी मीडिएटर होता है ना, जैसे मान लो इसने पैसे ए को दिया और ए पैसा बी को दे रहा है सपोज करो, तो इसका मतलब बी के पास जो पैसा आ रहा है ना वो रिसीव नहीं है, वो रेमिटेंस है, उसे रेमिटेड बोलते हैं। जैसे आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया है कि जो पैसे मुझे फी ला के दिए आपने, पहले आपने पेरेंट से लिया, पेरेंट से आपने लिया, तो इसका मतलब रिसीव आपने किया। आपने मुझे जब ला के दिया तो मैंने रिसीव नहीं किया, मैंने रेमिटेड किया है, ठीक है। तो इसका मतलब जब कभी भी आपका सीधा देखो एनएसपी है और मान लो ये कस्टमर है, कस्टमर ने एनएसपी को दिया, अब एनएसपी किसको दे देगा? संत नगर को। तो एनएसपी जब इसको भेजेगा पैसा, उसको क्या बोलेंगे? रेमिटेड। अब ये कौन कौन से पैसे भेज सकता है? कौन कौन से पैसे? जो नगद में सेल्स किया है, और ऐसा भी हो सकता है कि बीटीडब्ल्यू वाला जो हेड ऑफिस है वो इंस्ट्रक्शन दे दे कि आप कुछ लोगों को उधार दो। तो जब उधार बेचेगा तो क्या वहां से पैसे कलेक्ट होंगे? उधार बेचने के बाद, आज उधार बेच दिया कल तो मिलेगा, आज उधार बेचा चलो आज पैसे कलेक्ट नहीं होता, लेकिन कल कल कैश भी आएगा, नगद वाले पैसे और उधार वाला भी आएगा। तो एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो भी आएगा वो किस साइड आ जाएगा? हमारा इस साइड। इसके बाद हेड ऑफिस जैसे पैसे लेगा, मंथ के एंड में उसका सैलरी देगा, किसका? वर्कर का। यहां पे वर्कर ऐसा नहीं कर सकता सामान बेच लिया और अपना सैलरी काट के फिर मालिक को दे रहा है, ऐसा नहीं करेगा। सारा पैसा पहले देगा ऑनर को, ऑनर बोलेगा अब आपकी सैलरी कितनी है, देगा। तो उसको कहां दिखाएंगे? इस साइड में। सैलरी के बाद और भी दे सकता है, रेंट का पैसा, अगर दुकान रेंट पे है तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इलेक्ट्रिसिटी बिल,
सारे इंफॉर्मेशन देगा, जो भी खर्चे हैं वो सारा किससे गिरा जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स जो भेजा था हेड ऑफिस ने, वो किसी रीजन से रास्ते में खराब हो गया, बेकार निकल गया। तो गुड्स जब खराब होगा, तो जब मेरे पास सामान आया था ब्रांच अकाउंट में, तो इस साइड आया था। जब वो गुड्स रिटर्न हम करेंगे, तो किस साइड करेंगे? बाई साइड में। बाई साइड में क्या करें, क्योंकि देखो रिसीव यहां से हो रहा है, किससे रिसीव हुआ है? हेड ऑफिस से। आप ये मत सोचना कि ब्रांच बना रहा है, बना कौन रहा है? हेड ऑफिस। उसने बोला भाई मैंने भेजा है, तो यहां पे रिसीव हो रहा है उसको। लेकिन जैसे ही वो डिफेक्टेड गुड्स को रिटर्न करेगा, तो किस साइड दिखा देगा? बाय साइड में दिखा देगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा ब्रांच अकाउंट बनाने का, और सारा इंफॉर्मेशन देगा कि हेड ऑफिस ने डिसाइड किया है कि अपने ब्रांच को सामान इतने रुपए में बेचेगा, और अपने ब्रांच की जो पेमेंट है सैलरी वेजेस वो खुद करेगा, और अपने ब्रांच को जो कि खर्चा वगैरह है वो सारा का सारा रेमिटेड कर देगा, और हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो कैश में भी सेल्स कर सकता है और क्रेडिट में भी सेल्स कर सकता है। लेकिन कुछ चीजों के लिए ब्रांच को बहुत इमरजेंसी में यूज करना पड़ सकता है एक्सपेंस। जैसे मान लो बिट्टू टिक्की वाले के पास इंस्टेंटली प्लेट खत्म हो गया, तो अब वो ब्रांच हेड ऑफिस जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा। मान लो उसके साथ में एक शॉप है, वहां से इमरजेंसी में खरीदना पड़े, तो उसके पास राइट दे देता है कि ऐसा करो वहां से ले लो और बाद में हिसाब दे देना। अगर कोई भी ब्रांच इस तरीके की एक्टिविटी करता है कि अपनी मर्जी से कोई सामान खरीदता है, तो इसे कैश बुक बनाना पड़ेगा ब्रांच को, और उस कैश बुक की डिटेल देनी पड़ेगी किसको जाके, कि हमारे पास इतना पैसा आया और उसमें से इतना खर्च करके बाकी हमने आपको दे दिया है। और इस तरीके के खर्चे के लिए हेड ऑफिस 5,000 10,000 जो भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज है वहां के मैनेजर को एनी टाइम देता है कि अगर कोई दिक्कत हो जाए तो ये अपने पास रखो, और जब खर्च करने का टाइम आए इमरजेंसी में खर्च कर देना। तो ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं पेटी कैश एक्सपेंस, उसको हम बोलेंगे पेटी कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा रहेगा अकाउंटिंग करने का क्या प्रोसेस। तो हम बात कर रहे थे ब्रांच की। ब्रांच के अंदर दो टाइप है, कौन कौन सा? इंडियन, फॉरेन। फॉरेन के अंदर आप सिंपल से सोचो कि इंडिया से बाहर जो ब्रांचेस है वहां पे है। इंडिया के अंदर दो ब्रांच है, या तो होगा आपका डिपेंडेंट या होगा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट हुआ तो उसके अकाउंटिंग करने के मेथड्स तीन हैं, एक है डेटर मेथड सिस्टम, एक है स्टॉक डेटर, और एक है ट्रेडिंग। तो हम जो सीखेंगे पहले डेटर, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सीख लेंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हमारा अभी कोई रोल नहीं है और इसे हम अभी नहीं सीखेंगे, बाद में अगर सिलेबस में ऐड होता है तब देखेंगे, वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अब आपने सबने नोट कर लिया, तो अब आगे फॉर्मेट नोट करना मेरे साथ। आप एक बार समझ लेना फिर नोटिंग कर लेना, ठीक है? मैं साथ के साथ पहले लिख देता हूं फिर टाइमिंग दूंगा नोटिंग करने के लिए। देखो अब ब्रांच अकाउंट हमारा जो है सिस्टम है, फर्स्ट वाला मेथड जो देखा था उसका नाम था डेटर सिस्टम या डेटर मेथड। उसके अंदर भी दो पार्ट है, एक इनवॉइस प्राइस पे, एक कॉस्ट प्राइस पे। तो पहले हम सीखेंगे इनवॉइस कॉस्ट प्राइस वाले को किस तरीके से करेंगे। हमारे पास जो ये सामने गिवन है, ये गिवन है हमें एक ब्रांच अकाउंट जिसको मैं बनाने जाऊंगा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफिस क्या करता है, अपने ब्रांच को जो सामान भेजता है वो विदाउट प्रॉफिट को ऐड किए हुए भेज रहा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट सिस्टम पे। लेकिन ये बात किसको पता है, हेड ऑफिस को या ब्रांच को? सिर्फ हेड ऑफिस को पता है। और एक सिस्टम ऐसा होगा जिसके अंदर हेड ऑफिस जो ब्रांच के पास सामान भेजेगा पहले से ही प्रॉफिट ऐड करके तब भेजेगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस वाली बात करते हैं। तो जो डेटर सिस्टम है, स्मॉल बिजनेसमैन है तो वो अपने एसेट्स लाइबिलिटी सब इसी में मेंटेन कर लेता है। तो इस साइड पे वो सबसे पहले सारे के सारे एसेट्स लिख देगा जिसका नाम है बैलेंस, हम लिख देते हैं बीडी। यानी एसेट्स का कौन सा बैलेंस? ओपनिंग। जैसे कि स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक के बाद और क्या हो सकता है? डेटर का बैलेंस। डेटर के बाद एसेट्स की बात मैं कर रहा हूं, डेटर के बाद हो सकता है फर्नीचर, फर्नीचर के बाद हो सकता है आपका पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस हो सकता है इस सब का। एनी अदर और भी एसेट्स है, मान लो कंप्यूटर है बिजनेस में,
या कोई टाइपराइटर है जिससे वो इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी है, वो सारा एसेट्स यहाँ आएगा। सेम अगर कोई लाइबिलिटी हुआ तो बाय साइड में आएगा, हालांकि कोई लाइबिलिटी होता नहीं है उनका जनरली, क्योंकि सारा मेंटेन हेड ऑफिस करता है। तो अगर लाइबिलिटी क्वेश्चन में दिखा तो उसको किधर लिख देंगे, बाय साइड में। इसके बाद वो सारा का सारा एक्सपेंस लिखना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले लिखेगा गुड सेंट। आपको गुड सेंट समझ में आ रहा है क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि हेड ऑफिस भेज रहा है सामान ये। इसके बाद सारे के सारे खर्चे यहां लिखे जाएंगे। अब मैं खर्चे की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। एक्सपेंस दो टाइप के डील, अगर एक्सपेंस की मैं बात करूं तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका पेमेंट कौन कर रहा है। या तो इसका पेमेंट कर सकता है हेड ऑफिस, या इसका पेमेंट कर सकता है ब्रांच। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना कि प्लेट खत्म हो गया तो इमरजेंसी में तो लेना पड़ेगा, तो खर्चा कौन कर रहा था? ब्रांच। अब जब हेड ऑफिस पेमेंट कब करेगा, अगर जो भी खर्चे है सारा का सारा खर्चा अगर हेड ऑफिस देगा तो ब्रांच के जेब से तो कुछ गया ही नहीं, तो ब्रांच क्या करेगा, उस सारे खर्चे को यहां दिखाएगा, रेंट या फिर आपका जनरल एक्सपेंस, या फिर मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर मान सकते हो आप, सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद आप मान सकते हो पेटी एक्सपेंस, ये सारा एक्सपेंस। लेकिन अगर ब्रांच करेगा, मान लो आज ब्रांच का सेल्स, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अगर ब्रांच का सेल्स मान लो 1000 रुपए का है आज के दिन का, और ब्रांच का सेल 1000 के साथ साथ इसको इमरजेंसी में इस सेल में से 200 रुपए यूज करना पड़ गया, ठीक है ना? यूज कितना किया इसने, 200, और ये इसका क्या है, हमारा सेल्स। अब बताओ ब्रांच कितने पैसे हेड ऑफिस को जमा करवा देगा जाके? 800 रुपए जमा करवाएगा। आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया, 800 करवाएगा। यानी जब कभी भी ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे जमा करवाता है तो इसको हम बाय साइड में लिखेंगे रेमिटेड के नाम से, और या तो नगद में जो बेचा है वो पैसा, और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यानी जिसको उधार दिया उससे कलेक्शन होगा वो, क्या इसमें से वो माइनस कर देता है जो खर्चे उसने भेजे हैं? अगर किया है तो आपने देखो इसका कलेक्शन 1000 था, लेकिन आप बोल रहे हो सर उसे 1000 मत भेजो, उसे कितने भेज दो आप, 800, क्योंकि 200 तो खर्च कर दिया। इसका मतलब मैं यहां से माइनस कर देता हूं कितने, क्या जो कोई एक्सपेंस किसने पेमेंट किया है, ब्रांच ने खुद ने पेमेंट किया है, उसको आप माइनस करके दिखाओ, ये आप कहना चाहते हो। तो बिल्कुल ठीक है कि मैं यहां से माइनस करके दिखाऊंगा। मान लो इसने पेड जो किया वो जनरल एक्सपेंस है, ठीक है, जनरल एक्सपेंस है। अब ध्यान से देखना, मैं ये कैश अकाउंट थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, इसी में प्रूफ करके देखते हैं। आप कहना चाहते हो अगर मैं ये खर्चा नहीं करता तो क्या होगा, वो समझना। खर्चा नहीं करता तो रेमिटेड यहां पे होता मेरा 1000, और खर्चा हेड ऑफिस दे रहा है टू जनरल एक्सपेंस के नाम से, यहां होता 200। बताओ प्रॉफिट कितना आया, 800 रुपए आ गया ना प्रॉफिट। खर्चा मैंने यहां दिखाया नहीं दिखाया, दिखाया। क्या ये खर्चा हेड ऑफिस ने पेड किया या ब्रांच ने पेड किया? हेड ऑफिस ने। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। सपोज करो कि ये खर्चा कौन पेड कर रहा है, ब्रांच। ब्रांच अगर खर्चा पेड करता है तो हमारा रेमिटेड कितना होगा, 800 होगा। और खर्चा है, अगर मैं खर्चे को इधर जनरल एक्सपेंस दिखा दूं 200 रुपए, तो प्रॉफिट कितना आएगा, जो कि गलत है। 1000 रुपए हमारा सेल्स था, उसमें से खर्चा मेरा 200 ही हुआ तो 600 कैसे बन सकता है? कितना बचना चाहिए हमारे पास, 800 ही बचना चाहिए। आप बोलते हो सर खर्चे को तो 2 में दिखाना ही पड़ेगा, तो खर्चा मैंने यहां 2 में दिखाया है तो प्रॉफिट क्या आ गया, 600। खर्चा करा किसने था, ब्रांच ने। क्या ब्रांच ने यही माइनस कर दिया था यहां से माइनस करने के बजाय? ब्रांच ने क्या करा कि 1000 में से यहीं पे तो 200 माइनस कर दिया,
जो माइनस अगर मैं 1000 लिखता तो अगेन ये 200 माइनस हो गए, तभी तो प्रॉफिट आता हमारे पास 800। लेकिन यहां पे हुआ क्या, ब्रांच ने इधर ना लिख के पहले ही क्या कर दिया, तो क्या इस एक्सपेंस को दिखाने की जरूरत है हमें? नहीं। अगर हम इस एक्सपेंस को दिखाते हैं तो हमारा रिजल्ट गलत आएगा। तो अब मुझे बताना, अगर एक्सपेंस हेड ऑफिस पेड करता है तो क्या यहां पे खर्चे को दिखाया था मैंने? दिखाना चाहिए। लेकिन एक्सपेंस अगर ब्रांच पेड करता है, नहीं दिखाना चाहिए। तो जो मैं यहां पे खर्चे को दिखा रहा हूं, वो खर्चा किसने पेड किया होगा, ब्रांच ने या हेड ऑफिस ने? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर हो गया कि भाई ब्रांच अगर पेमेंट करेगा तो क्यों नहीं इधर दिखाएगा, क्योंकि वो यहीं से क्या करता है, माइनस कर देता है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जो एक्सपेंस मैंने लिखा है उस एक्सपेंस के बारे में मैं लिख देता हूं कि एक्सपेंस किसने किया है, एक्सपेंस पेड बाय किसके थ्रू पेड है, हेड ऑफिस के। ठीक है, अगर हेड ऑफिस पेड करेगा तभी होगा, लेकिन अगर ब्रांच पेड करेगा तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा इफेक्टेड हो जाएगा। कैसे? पैसे जितने रिसीव किए उसमें से माइनस कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई भी सामान रिटर्न करते हैं, किसको? हेड ऑफिस को रिटर्न आता है, तो बाय साइड में लिखेगा बाय रिटर्न, रिटर्न टू, मैं एचओ लिख रहा हूं, एचओ का मतलब हेड ऑफिस है, और ये पूरा रेमिटेंस टोटल कर देंगे। इसके बाद मान लो कोई गुड्स मेरा प्लीफर्ड हो गया, प्लीफर्ड का मतलब होता है चोरी हो जाना या डिस्ट्रॉयड हो गया। जैसे कि संत नगर से मैंने बिट्टू टिक्की वाले का एग्जाम्पल लिया, संत नगर से अपना वो सामान लेके कहाँ पे आ रहा है, एनएसपी, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया और वो सामान क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो उस केस में उसने मुझे फोन किया कि भाई सामान मैंने भेज दिया है, मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन क्या ब्रांच में एक्चुअलिटी में पहुंचा है? नहीं पहुंचा। तो मुझे उसको एंट्री को रिवर्स करने के लिए किधर करना पड़ेगा, बाय साइड में। बाय साइड में मैं इसको नाम दे देता हूं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में क्या हो सकता है, कोई नेचुरल हैपनिंग हो, या कोई जैसे एक्सीडेंट हो गया, या गुड्स प्लीफर्ड हो गया, चोरी हो जाए, तब भी हम किस नाम से लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस, उसका नाम लिख देंगे। जैसे प्लीफर्ड हुआ तो गुड्स प्लीफर्ड, अगर लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि बाय साइड में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। इसके बाद इतना करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, यहां पे बाय साइड में जितने भी बैलेंसेस है उस बैलेंस को सीडी कर देंगे, बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी में चेक करेंगे एक एक करके क्या क्या होना चाहिए, स्टॉक, और क्या होना चाहिए, डेटर, और क्या, फर्नीचर। देखो डेटर को बैलेंस सीडी कैसे करना है वो तो अभी देखेंगे, फर्नीचर को बैलेंस सीडी कैसे किया जाए, सीडी का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले आप। लास्ट में जो बच गया उसको बैलेंस सीडी कहते हैं। तो शुरू में जो फर्नीचर था और जो लास्ट में बचेगा उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगा, वो डेप्रिसिएशन की वजह से। तो जो अगर मान लो मेरा 1000 रुपए का फर्नीचर है और मैं बोल दूं कि 10% का क्या है हमारा, और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद यहां पे मुझे पता है कितना दिखाना पड़ेगा, 900, ना कि 1000 रुपए, ठीक है। इसके बाद पेटी एक्सपेंस का है तो लिख देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पेटी एक्सपेंस, और इसका टोटल यहां आ गया। इसके बाद हम फाइनल, अब ब्रांच अकाउंट है कि कोई प्रॉफिट बांटेगा इसका, किसी को इसके प्रॉफिट से मतलब ही नहीं होना चाहिए, ये तो हेड ऑफिस का पैसा है। जब टोटलिंग करेंगे हम, तो इस साइड अगर बैलेंसिंग फिगर निकलता है तो इस साइड निकलेगा टू प्रॉफिट, या फिर इसको हम सरप्लस का भी नाम दे सकते हैं, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस भी कह सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट निकल गया। तो ये हमारा सिंपल है ब्रांच अकाउंट। लेकिन इस अकाउंट को बनाने में हमें दो अकाउंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। दो अकाउंट की क्यों हेल्प लेनी पड़ेगी, सपोज करो आपको क्लोजिंग डेटर नहीं देता, या सपोज करो आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं पता, तो आपको मदद लेनी पड़ेगी डेटर अकाउंट की। क्योंकि डेटर से आपका यहां पे क्या लिखेंगे, डेटर बताओ सबसे पहले, एसेट्स है या लाइबिलिटी,
एसेट्स का हमेशा बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट से स्टार्ट होगा, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब जो ये वाला डेटर है ना वही डेटर सेम है, और इसका सीडी होगा बाय साइड में, बाय बैलेंस, बैलेंस सीडी, ठीक है। चलिए अब ये बढ़ेगा इस साइड से और घटेगा इस साइड से। बढ़ने का रीजन क्या है, अगर मान लो कि मैंने उधार में सामान बेचा, मान लो आपको मैंने पहले 100 रुपए का उधार सामान बेचा, आप मेरे डेटर हो, फिर 50 का अगेन बेच दिया तो आप अगेन मेरे डेटर हो, लेकिन अब 100 रुपए के नहीं हो, कितने के मानो जाओगे, 150 के। यानी जैसे जैसे आपको उधार माल बेचता जाऊंगा मेरा डेटर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बढ़ने का रीजन है क्या है, हमारा क्रेडिट सेल्स। और घटने के देखो क्या क्या रीजन हो सकता है, अगर डेटर मुझे पैसा दे दे, डेटर अगर पैसा दे दे तो घट सकता है, नहीं घट सकता, घट सकता है, तो बाय साइड में आएगा, बाय कैश में रिसीव किया हो या चेक रिसीव किया हो तो क्या लिखेंगे, बैंक। अब मान लो मैंने डेटर को डिस्काउंट दे दिया कि डेटर जाओ आपको मैंने दिया डिस्काउंट, तो बताओ उससे डेटर फिर कम हो जाएगा, तो डिस्काउंट भी किस साइड में आएगा, बाय साइड में डिस्काउंट। मान लो मेरा डेटर से पैसा डूब गया, डेटर मेरा पैसा दे ही नहीं रहा, तो फिर अगेन मेरे डेटर पे फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा, कम, किस साइड लिखेंगे, बाय साइड में, यानी उसको बोलेंगे बैड डेट्स। अब मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से डेटर कम होता है या नहीं होता, नहीं होता। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है कि अंदाजा है कि पैसा डूबेगा, एक्चुअल थोड़ी ना हुआ है, वो अंदाजा है कि इतना पैसा मेरा, आपने अभी तक बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर, अगर मैं बताऊं तो कैसे देखा है बैलेंस शीट में आपने, आपने सिंपली देखा है डेटर और इसमें से लेस प्रोविजन, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत है, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लाइबिलिटी में दिखाना चाहिए हमेशा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से डेटर कम नहीं होता, डेटर कम होता है हमारा बैड डेट्स की वजह से, इस पॉइंट को याद रखना। तो अगर मैं बोलूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है तो क्या यहां लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं बैड डेट्स मेरा 1000 रुपए का है तो क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो बैड डेट्स हमेशा यहां पर लिखा जाएगा, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि उससे डेटर कम नहीं होता। अब मान लो डेटर ने सामान वापस कर दिया, मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा है और डेटर ने क्या करा, उसको वापस दे दिया, तो क्या मेरा डेटर कम होगा या नहीं होगा, यानी यहां पे मैं क्या लिख दूं, सेल्स रिटर्न। अब मान लो कि डेटर को मैंने क्या करा, अलाउंसेस भी दे दिया। अलाउंसेस क्या होता है, कई बार हम डेटर को जितना डिस्काउंट देते हैं ना उससे ज्यादा बेनिफिट कई बार हम दे देते हैं अलाउंसेस, वो सेल्स के अगेन एडजस्ट होता है, नहीं होता, वो अलाउंसेस की एक अलग से क्लास लेंगे हम, तो यहां पे मैं सिर्फ अलाउंसेस लिख रहा हूं, एक तरीके का डिस्काउंट या बेनिफिट मान लो ये। तो ये सारे रीजन है जिससे हमारा डेटर क्या हो सकता है, कम। अब जब कभी भी आपको क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, तो या तो आपको ये इंफॉर्मेशन देगा, ये इंफॉर्मेशन देगा और ये इंफॉर्मेशन देगा, अगर ये तीनों इंफॉर्मेशन देगा तो डेटर अकाउंट मत बनाना, क्योंकि हमें इस अकाउंट के अंदर ये तीन इंफॉर्मेशन की ही रिक्वायरमेंट है, हमारा ब्रांच अकाउंट यही खत्म है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे अनदर हेल्पिंग अकाउंट का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसमें से वन ऑफ डेटर, मान लो आपको क्लोजिंग डेटर दिया ही नहीं, तो यहां पर तो लिखना है भाई क्लोजिंग डेटर, आप क्लोजिंग डेटर किसकी हेल्प से निकालेंगे, डेटर से बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा इस केस के अंदर। मान लो क्लोजिंग डेटर दे दिया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं दिया, लेकिन ये अकाउंट तो प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर यहां दिखाना ही दिखाना है, तो अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहां से निकलेगा, डेटर में, तो उस केस में कौन सा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। मान लो सब कुछ दे दिया, ओपनिंग डेटर नहीं दिया, वैसे ओपनिंग डेटर तो हमेशा मिलेगा, अगर ओपनिंग डेटर नहीं दिया तो बैलेंसिंग फिगर ये निकल जाएगा। क्या क्रेडिट सेल्स मैंने कहीं यूज किया है,
क्या मैंने डिस्काउंट कहीं लिखा है, क्या बैड डेट्स लिखा है, क्या सेल्स रिटर्न लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा। तो इन सब का तो यूज है ही नहीं यहां पे। तो हमें अगर ये तीनों पॉइंट दे दे और ये सारे पॉइंट दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि इसका यूज ही नहीं करना। हमें तो एग्जामिनर बोलेगा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, सिस्टम डेटर का है तो ये मत समझना कि डेटर अकाउंट बनाएंगे। डेटर सिस्टम का मतलब जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर है वो दिखाया जाएगा और डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यहां पे दिखा देंगे एसेट्स और लाइबिलिटी का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटर अकाउंट बनाना कंपलसरी नहीं है, डेटर अकाउंट हम बना भी सकते हैं और अगर ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है तो डेटर अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। अगर ये तीनों में से कोई पॉइंट मिसिंग होता है तो एक डेटर अकाउंट बना के फिर हम इसके बैलेंस को ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर ट्रांसफर करने के बाद फाइनल हमारा प्रॉफिट निकलेगा या लॉस भी आ सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए, ठीक है। कैश अकाउंट, अब मैंने बताया था कि ब्रांच को कैश अकाउंट बनाना पड़ सकता है अगर वो खर्चे खुद से कर दे। तो मान लो इसको कलेक्शन हुआ कैश सेल से, उस केस में यहां पे हम कैश सेल्स नहीं दिखाएंगे। कलेक्शन हुआ कैश सेल से, कलेक्शन हुआ डेटर से, उस केस में कलेक्शन फ्रॉम डेटर यहां नहीं दिखाएंगे और ये टोटल हो गया। उसके बाद उसने जो खर्चा कर दिया बाय में, मान लो जर्नल एक्सपेंस, तो मैं इसको लिख दूंगा ब्रांच एक्सपेंस, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लो मेरे पास कैश सेल्स था सपोज करो 100 रुपए और कलेक्शन फ्रॉम डेटर था 200, तो टोटल पैसा कितना आया? वैसे तो नॉर्मली होता है कि ये 300 जाके भाई हेड ऑफिस को दे दो, ये लो भाई आपका दिन भर का सेल था, दिन भर का कलेक्शन था। लेकिन अगर मैंने 50 खर्च कर दिए हैं तो मैं देके कितना आऊं? अगर 300 में से मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए तो 250 दे के आऊंगा, तो मान लो ये 50 है तो बैलेंस सीडी कितना आएगा यहां पे, जिसे मैं किसको दे दूंगा जाके? तो बाय हेड ऑफिस को दे दिया मैंने 250। अब जब मैं हेड ऑफिस को 250 दे रहा हूं तो कैश सेल्स क्या यहां लिखूंगा? क्या मैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर यहां पर लिखूंगा? नहीं। अगर मैं कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी दिखाता तो डबल एंट्री नहीं हो जाएगा? आप दे रहे हो वो भी लिख रहे हो और कैश सेल्स और कलेक्शन, क्या ये वाला एक्सपेंस मैं यहां पे दिखाऊंगा? नहीं दिखाएंगे। तो कैश अकाउंट बनाना भी मैंडेटरी नहीं है। किसी केसेस में अगर मान लो कि डेटर से ब्रांच ने अपने खुद खर्च करे हैं तो वहां से क्या करना, आप या तो अकाउंट प्रिपेयर कर लो या नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हो टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ, माइनस क्या कर देंगे वहां से एक्सपेंस और यहां पर दिखा देंगे रेमिटेड के अंदर, या रेमिटेंस बोल लो या रेमिटेड बोल लो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे मान लो कि हमें कलेक्शन सेल से हुआ, कलेक्शन डेटर से, मेरे शॉप में स्क्रैप पड़ा हुआ था और उस स्क्रैप को बेच दिया और मेरे पास पैसा आ गया, क्या वो पैसे भी मैं हेड ऑफिस को जमा करवाऊंगा? बिल्कुल जमा करवाएंगे, तो वो भी कहां आएगा? तो यहां पे सिर्फ माइंड में ये चीज मत सोचना कि कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर ही आएगा। कहीं भी कोई भी सोर्स से ब्रांच को पैसे अगर रिसीव होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसको जमा करवा दे जाके, तो यहां कोई भी सोर्स आ सकता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा यही देखोगे, इसलिए मैंने दो पॉइंट लिखा है और कहीं से भी आ जाए ये होगा। एक और पॉइंट देखना, मैं रिटर्न की बात करता हूं, सेल्स रिटर्न। अब मान लो मेरा जो एक ब्रांच, मैंने एग्जाम्पल लिया ब्रांच, मैंने एग्जाम्पल लिया संत नगर का, संत नगर का, और ये मेरा जो संत नगर में, सॉरी ब्रांच बोल दिया मैंने, ये क्या है? हेड ऑफिस। आप इसका जवाब देना मुझे। और इसका एक ब्रांच है एनएसपी। मान लेते हैं कि इसका जो टाइमिंग है, इसका टाइमिंग सपोज करो 9:30 और इसका टाइमिंग 10 o'clock, क्लोज होने का, बंद होने का। एक पर्सन एनएसपी में जॉब करता है और इसने क्या करा, एनएसपी वाले ब्रांच से कोई भी गुड्स खरीदा, सिर्फ इसका मान लो, इसके ना कुछ पैकेट में नमकीन वगैरह भी आता है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टिक्की वगैरह बेचता है। तो आपने कई बार देखा होगा, अब तो मार्केट में भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि टिक्की वगैरह, टिक्की के साथ साथ ये नमकीन, जैसे हल्दीराम का आता है वैसा भी बेचता है। इसने क्या सोचा कि यार मैं घर जाते जाते लेट हो जाऊंगा और दुकान तो बंद हो चुकी होगी 9:30 बजे, तो मैं एक काम करता हूँ वहां से लूँ, एनएसपी से लूँ, रेट सेम है तो क्या दिक्कत है। इसने क्या करा, एनएसपी वाले ब्रांच से 100 रुपए का सामान खरीद लिया। लेकिन जैसे घर पे पहुंचा तो घर पे जाने के बाद पता चला कि वो पैकेट जो था वो एक्सपायरी डेट का था, यानी इसे जो प्रोडक्ट दिया गया वो गलत प्रोडक्ट दिया गया। तो अब इसके पास एक तो तरीका ये है, मान लो ये 1 हफ्ते की छुट्टी पे है तो इसका ये एनएसपी आना नहीं चाहता, तो इसके पास क्या ऑप्शन है कि एनएसपी में ना रिटर्न करके कहां पे रिटर्न कर दे, जाके डायरेक्टली किसको रिटर्न कर दे, हेड ऑफिस को रिटर्न कर दे। हेड ऑफिस क्यों, वो जाएगा वहां पे, संत नगर रहता है, संत नगर में जाएगा, बोलेगा भाई साहब मैंने आपके एनएसपी वाले ब्रांच से ये सामान खरीदा था, बाय मिस्टेक आपने गलत दे दिया, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मुझे ये रिटर्न करना है, अब तो रिटर्न कर दिया। नहीं तो नॉर्मली का क्या होता है, जहां से सामान खरीदा वहीं वापस करो। लेकिन यहां पे मैंने जो सिचुएशन बनाया है इसके अंदर ये पॉसिबल है। तो जब कभी भी, अब बताओ जब हेड ऑफिस को रिटर्न किया होगा तो हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या बोलेगा कि मैंने सामान भेजा था इस साइड से, क्या उसे कस्टमर के थ्रू रिटर्न आ गया या नहीं आ गया, तो वो रिटर्न आने की वजह से इसका स्टॉक कम होगा ही नहीं होगा, होगा कम, तो इसका मतलब वो बाई साइड में भी दिखाएगा। अगर डेटर इसी को वापस करता तो सामान क्या होता, हमारे बिजनेस से बाहर नहीं निकला, वो कहां पड़ा होता, ब्रांच के अंदर ही पड़ा होता। तो सही लिखा है मैंने यहां, मान लो मेरे पास 100 रुपए का सामान या 1,000 रुपए का सामान आया और कस्टमर मुझे ही वापस कर रहा है, मैंने पहले कस्टमर को बेचा तो मैंने सेल्स में कितना लिखा होगा, मान लो 300 रुपए का बेचा, तो 700 रुपए का सामान तो पड़ा ही है मेरे पास, लेकिन कस्टमर ने मुझे ही वापस कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, इस सेल्स को हटा दूंगा, सेल्स रिटर्न को, तो सेल्स रिटर्न को ऑटोमेटिक यहां माइनस करूंगा, तो क्रेडिट सेल्स तो कम ही हो गया, क्योंकि हमारा क्रेडिट सेल्स यहां पे है और इसको कम करने के लिए यहां दिखाया मैंने, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा यहाँ सेल्स से तो माइनस हो गया और अगेन ये 1,000 रुपए स्टैंड है। लेकिन अगर मैंने 300 रुपए का सामान बेचा है और सामान वापसी डायरेक्ट हो जाए एचओ को, तो क्या मेरे पास सामान वापसी आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करने के लिए इस साइड दिखाना पड़ेगा बाय साइड में। तो डेटर अगर डायरेक्टली डिपॉजिट करे एचओ को तो यहां पे भी एक मुझे रिटर्न दिखाना पड़ेगा डायरेक्टली। अगर डेटर रिटर्न करता एनएसपी ब्रांच को तो यहां पे सेल्स रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन अगर डेटर रिटर्न किसको करता है, डायरेक्ट जाके हेड ऑफिस को, तो यहां पे आएगा, ये पॉइंट याद रखना है। तो जब रिटर्न देगा ना सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न लिखा है सिंपल, तो अजम्पशन लेंगे कि भाई ब्रांच में ही रिटर्न हुआ है। अगर लिखा जाए कि सेल्स रिटर्न टू एचओ हेड ऑफिस को, तो उस केस में यहां तो सेल्स रिटर्न आएगा ही आएगा, उसके साथ हमारा यहां पे भी सेल्स रिटर्न आएगा। ठीक है, तो फटाफट से एक बार मैं क्विकली इसको रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले हमारा बनाना है एक ब्रांच अकाउंट, एक बनाना है डेटर अकाउंट, और जरूरत पड़े तो कैश अकाउंट। डेटर अकाउंट भी मैंडेटरी नहीं है, डेटर सिस्टम जरूर है, इसका मतलब ये मत समझना कि डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर सिस्टम का मतलब स्मॉल बिजनेस वाले ये ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले सारा बैलेंस का बीडी लिखना है, जो भी जितने क्या एसेट्स है, अगर कोई लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है तो किधर आ जाएगा, बाय साइड में। इसके बाद सारे खर्चे यहां पे दिखा देंगे, लेकिन कौन से वाले खर्चे, पेमेंट कौन कर रहा होगा, एचओ कर रहा, ब्रांच करेगा तो हम यहाँ पे क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो माइनस करके यहाँ पे दिखाया जाता है। इसके बाद जो भी पैसा हम एचओ को जाके देंगे वो यहाँ रेमिटेंस में आ जाएगा, अगर कोई सामान वापसी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर एबनॉर्मल लॉस वगैरह पे यहाँ पे आ जाएगा, और सारा का सारा बैलेंस सीडी यहाँ पे, और फाइनल के बाद हमारा प्रॉफिट आएगा। लेकिन इसके अंदर बनाने के लिए अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं है, तो हम किसकी हेल्प ले लेंगे, और अगर कोई ब्रांच एक्सपेंस करता है तो एक कैश अकाउंट का हेल्प लेके इसको क्या कर देंगे हम। तो ये था हमारा डेटर सिस्टम के अंदर कॉस्ट मेथड। इनवॉइस मेथड दूसरा है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले कॉस्ट मेथड का आप फॉर्मेट नोट करिए। और बुक में आपके क्वेश्चन गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हर किसी को मिल गया,
इसके अंदर क्या कहता है, रिवीजन ओनली, आप ये हेडिंग पे नहीं जाते, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेट टू लखनऊ ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फोर इन द मुंबई हेड ऑफिस। यानी कोई हेड ऑफिस मुंबई में है लेकिन हमें बनाना किसके लिए, लखनऊ ब्रांच के लिए। ऑल एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, क्वेश्चन नोट करना है इसको, ध्यान देना, सारे के सारे खर्चे कौन पेड कर रहा है? जब ब्रांच सारा खर्चा पेड कर रहा है तो क्या खर्चे में हम कुछ दिखाने वाले हैं? तो कहाँ दिखाए? बैंक अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है ना। आपको हर क्वेश्चन में क्लियरिटी मेंशन होगा कि एक्सपेंस का पेमेंट कौन कर रहा है, एज पर द एग्रीमेंट विद द हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ। अब कहता है कुछ ओपनिंग बैलेंसेस है, जैसे कि सबसे पहले देता है ब्रांच का स्टॉक अकाउंट 378, तो स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा। सबसे पहले लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी, और ये आ गया स्टॉक 378। अब इसके बाद दे रखा है आपको ब्रांच का डेटर, तो ब्रांच का डेटर यहां पे लिखेंगे। लेकिन एक क्वेरी आएगा स्टूडेंट का, सर हमें कैसे पता चलेगा कब हमें डेटर अकाउंट बनाना चाहिए और कब हमें डेटर अकाउंट नहीं बनाना चाहिए? तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे एक तो तब पता चल सकता है, और अगर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा। दूसरा कब पता चल सकता है? जब आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि इसके लास्ट में तो देखो कुछ भी नहीं बोला कि क्या बनाना है, तो क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दिया इसने, ब्रांच बैंक पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पर्सनल कंप्यूटर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ब्रांच डेटर को भी नहीं बताया कितना है, तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद डेटर है, तो डेटर का एक तो यहां लिखेंगे बैलेंस, और दूसरा बैलेंस डेटर के ओपनिंग बैलेंस, इसको बैलेंस बीडी, और 1,35,500 बस देखना है अभी आपको। पर्सनल कंप्यूटर 45,000, तो कोई भी एसेट्स हो यहां पे लिखेंगे, चाहे करंट हो चाहे फिक्स हो। ब्रांच का बैंक यहां पे आ जाएगा, और बैंक में बैलेंस है 9,600। अब सिंपल सा बैंक अकाउंट बनाया है तो बैंक में भी लिखेंगे बैलेंस, यहां तक देखो, यहां तक समझ में आए, बैंक में भी लिख दिया और यहां पे भी लिख दिया। आगे कहता है 31 मार्च को ब्रांच डेटर नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, ब्रांच डेटर हम डेटर अकाउंट से फाइंड कर लेंगे। पर्सनल कंप्यूटर नहीं बताया, चलो कुछ ना कुछ पता, हिंट मिलेगा कि कंप्यूटर का भी बैलेंस निकाल लेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट इसने जरूर बता दिया, और स्टॉक अकाउंट लास्ट का है। ऐसा भी हो सकता था कि ये स्टॉक का भी बैलेंस ना बताए, तो हमें स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता। तो मैंने अभी स्टॉक अकाउंट्स का डिस्कशन इसलिए नहीं किया, अगले वाले कॉन्सेप्ट में सीखना ही है हमें। 270 इसके बाद गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, ट्रांसफर टू ब्रांच किसने किया? एचओ ने, तो मेरे पास तो आया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू साइड में टू गुड्स सेंट। गुड्स सेंट कौन बोल रहा है? सेंट किया हेड ऑफिस 762। गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच के बाद गुड्स रिटर्न टू एचओ, तो रिटर्न कहां आएगा? बाय साइड में आएगा, सिंपल, बाय रिटर्न, रिटर्न टू हेड ऑफिस एचओ। आपको पूरा लिखना है एग्जाम में एचओ, 15,000 रुपए। इसके बाद कैश सेल्स एंड पेड इनटू बैंक, कैश में सेल्स किया लेकिन बैंक में जमा करा दिया, तो यहां तो कैश सेल्स का काम ही नहीं है, बैंक में जमा करवा दिया है, तो यहां पे आ जाएगा कैश सेल्स, और अमाउंट कितने का? 1,56,000। देखो समझना है आपको, रेमिटेंस के नीचे वैसे अगर मैंने अगर फॉर्मेट में लिख दिया सेल्स तो इसका मतलब नहीं कि आ ही जाएगा, सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ पे बोलता भाई मैं भी नहीं भेज रहा, मैं पहले कहाँ जमा कर रहा हूँ? बैंक में, और ये बैंक ब्रांच का बैंक अकाउंट है, ठीक है ना। इसके बाद सेल्स रिटर्न एट सेलिंग प्राइस, सॉरी क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स यहां तो कोई मतलब नहीं है, यहां आएगा क्रेडिट सेल्स, कितने का है? 8,00,000। और उसके बाद बोलता है सेल्स रिटर्न, तो
तो सेल्स रिटर्न अज्यूम करेंगे कि भाई ब्रांच को ही हो गया है, तो बाय साइड में सेल्स अगर एचओ को होता तो आता वहां पे, अमाउंट है हमारा 3750, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट सेल्स, यानी मुझे डेटर से कैश मिल गया, तो एक तो मैं इस साइड में लिख दूंगा चेक रिसीव किया है, तो दैट्स वाई मैं यहां पे लिखूंगा बैंक, और एक बैंक अकाउंट में आ जाएगा डेटर के नाम से। अमाउंट कितना मिला है हमें? 8,45,000, और यहां पे भी आ जाएगा 8,45,000। ये समझ में आ रहा है यहां पे क्यों आ रहा है? अगर हमारा बैंक में नहीं आता पैसा तो सीधा हम इन दोनों पॉइंट को यहां रेमिटेंस के अंडर लिख देते हैं। इसके बाद आगे कहता है डिस्काउंट अलाउड, तो डेटर कम होगा डिस्काउंट देंगे तो, हालांकि फॉर्मेट में शायद मैंने लिखा ही नहीं, लिखा लिखा है तो यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट डेटर कम और 7,800 का। चलिए इसके बाद आगे कहता है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये भी यहां आएगा अगर प्रोविजन होता तो नहीं आता, और अमाउंट कितने का? 1,500 का। इसके बाद है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच बैंक टू एचओ। इस सेंटेंस का मतलब है सारा पैसा इकट्ठा करके ब्रांच ने कुछ अमाउंट था वो हेड ऑफिस को भेज दिया, तो भेजा जो है इसका मतलब बोलना चाहता है ये रेमिटेंस है 8,00,000। तो भेजा कहां से होगा? बैंक से ही तो निकाल के भेजा होगा, तो क्या बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा? बिल्कुल, इधर आ जाएगा बाय हेड ऑफिस 8,95,000। इसको देखो पहले आप, समझ में आए ये क्या कहता है कि ब्रांच ने कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिया हेड ऑफिस को अपने ब्रांच बैंक अकाउंट से, तो यहां पे 8,95,000 ट्रांसफर किया तो हेड ऑफिस ने रिसीव किया, तो जो भी पैसा हेड ऑफिस रिसीव करता है उसको रेमिटेंस के अंदर दिखा देते हैं। अब यहां पे रिसीव किया तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया हमारा? कम। और यहां पे एग्रीमेंट हुआ है कि भाई सारे खर्चे कौन पेड करेगा, इसलिए यहां पे मुझे बैंक अकाउंट बनाना पड़ रहा है, अगर वो खर्चे पेड नहीं करता तो हमारा डायरेक्टली भी हो जाता। अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर मंथ वाइज बेसिस, और उसने 8,95,000 भेज दिया। रेंट एंड रेट 56,000, अब बताओ रेंट एंड रेट्स किसने पेड किया होगा? क्या यहां पे दिखाएंगे? लेकिन उसके बैंक पे तो इंपैक्ट आएगा, तो बाय साइड में लिखेंगे रेंट, और कितने अमाउंट पेड किया? 50। ये समझ में आ रहा है? अगर यही पॉइंट हेड ऑफिस पेड करता तो कहां दिखाते? ब्रांच के टू साइड में, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। आगे कहता है वेजेस भी 45,000 पेड किया है, इसे भी यही दिखाना होगा 45,000। इसके बाद आगे कहता है जर्नल एक्सपेंस 7,630, किसने पेड किया? इसे भी यही दिखाना है क्योंकि एग्रीमेंट पहले ही हो गया। जर्नल एक्सपेंस होता क्या है? छोटे मोटे खर्चे, 7,630। इसके बाद आगे कहता है ट्रांजेक्शन एट हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, हेड ऑफिस ने अपने हाथ से कुछ ट्रांजेक्शन किए हैं ब्रांच के बिहाफ पे। सबसे पहले गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, ठीक है इसकी बात कर रहा है जो ट्रांसफर आया है। इसके बाद गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ठीक है इस रिटर्न की बात कर रहा है, हमने ऐसे ही से सोचा है। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ठीक है कैश रिसीव हुआ है। स्टाफ ब्रांच सैलरी 150 to 500, इसका मतलब ये भी किसने किया है? हेड ऑफिस ने, क्वेश्चन में बोल दिया इसने। ऊपर कहता है ट्रांजेक्शन एट हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, इसका मतलब स्टाफ की जो सैलरी है वो ब्रांच ने पेमेंट नहीं किया, वो हेड ऑफिस। तो उस खर्चे को मुझे यहां दिखाना चाहिए क्या? उस खर्चे को यहां दिखा सकते हैं स्टाफ सैलरी और 150। ठीक है समझ में आइए,
तो देखो एक्सपेंस अगर ऊपर एग्रीमेंट हो गया कि सारे खर्चे ब्रांच ही पेड करेगा, लेकिन नीचे जाके क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि भाई हेड ऑफिस बोल सकता है ये तो मैंने किया है। तो जब नीचे आपको हेड ऑफिस बोल रहा है कि ये मैंने किया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो पॉइंट रहेगा आपका हेड ऑफिस जो खर्चा करेगा उस खर्चे को तो यही दिखा दोगे। नॉर्मली सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे कहता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर पे 20%, इसका मतलब मुझे कंप्यूटर का बैलेंस मिल गया। तो 45,000 पे 20% 9,000, तो 9,000 माइनस कर देंगे तो 36,000 रुपीज का कंप्यूटर। क्या डाउट है इसमें, ये समझ में आया कैसे आया कंप्यूटर हमारा 36,000, क्योंकि हमारा कंप्यूटर था 45,000 का, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन 9,000, 9,000 कैसे आया 45,000 रुपए का कितने परसेंट, 20%, और ये आ गया 36 जो कि मेरा है बैलेंस क्लोजिंग। क्लियर। इसके बाद स्टॉक का तो बैलेंस है, कंप्यूटर का भी मिल गया, एक तो बैंक का बैलेंस मुझे क्लोजिंग चाहिए, वहां पे क्वेश्चन मार्क भी है, और एक डेटर का भी बैलेंस चाहिए, तब जाके हमारा फाइनल होगा। बैंक का बैलेंस तो हम यहां से निकाल सकते हैं, बैंक का बैलेंस यहां से निकाला जा सकता है। टोटल करते हैं, कैलकुलेटर लाया कोई? अगली क्लास में हर एक स्टूडेंट कैलकुलेटर लेके आए, फोन से कोई लेना देना नहीं है, फोन एग्जाम में थोड़ी अलाउड होगा, तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। तो ब्रांच बैंक अकाउंट का अगर मैं टोटल देखूं, तो ब्रांच बैंक अकाउंट का टोटल क्या आ रहा है हमारा, 10 लाख, 10 लाख, 10,000, और यहां पे ना ध्यान देना, अभी एंट्री मत करने लगना, बैलेंस सीडी निकलेगा, और सीडी का मतलब ये इंफॉर्मेशन यहां पुट करेंगे, वो क्या आ गया 96,7020। अच्छे से इसको कैलकुलेट भी करना, ये बैलेंसिंग फिगर है 7020। इसके बाद डेटर को क्लोज करेंगे, डेटर का टोटल यहां से क्या निकलेगा, बैलेंस सीडी, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या है 9। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो क्या आ रहा है, 1,02,450। तो 1,02,450 रुपए यहां पुट कर दिया। इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा, यहां से हम टोटल करेंगे, ये साइड ज्यादा आएगा टोटल करके, और यहां पे क्या निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये आपका काम है प्रॉफिट निकालना, अभी कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना था, किसको मैंने किस तरीके से पॉइंट किया। एक और अकाउंट अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया, गुड्स सेंट अकाउंट, वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट से इसको नोट करो आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3।